किसी व्यक्ति के मरने के बाद बैंक में रखे पैसों का क्या होता है? अगर कोई नॉमिनी बनाना भूल जाए तो क्या उसकी मौत के बाद सारे पैसे बैंक के हो जाते हैं? कौन होता है बैंक में रखे गुमनाम पैसे का मालिक? काम की बात के इस एपिसोड में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बैंक खाता खोलते समय ग्राहक से कई तरह की जानकारियां मांगता है। बैंक नॉमिनी घोषित करने के लिए भी कहता है, ताकि मौत के बाद उस अकाउंट का सारा पैसा उस नॉमिनी को दिया जा सके। लेकिन कई लोग या तो नॉमिनी का नाम नहीं देते या फिर नाम देना भूल जाते हैं। अगर आपके किसी नजदीकी का बैंक में खाता हो और अचानक उनकी मौत हो गई है, उन्होंने कोई नॉमिनी नहीं बनाया हो, तो बैंक में रखी राशि का क्या होता है? यह राशि किसे और कैसे मिलेगी? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी मृत व्यक्ति के ATM कार्ड और पिन नंबर से आप उसके अकाउंट से पैसा निकलवा सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा करना दंडनीय अपराध माना जाता है। यदि आप उस बैंक अकाउंट के ज्वाइंट होल्डर हैं तो ही आप पैसा निकाल सकते हैं, वरना यह अपराध होगा। अब सवाल यह उठता है कि किसी के मरने के बाद उसके अकाउंट से पैसा कैसे निकाला जा सकता है? किसी के खाते से पैसे निकालने के कुछ कानूनी तरीके होते हैं। पहला तरीका है मृत व्यक्ति के साथ ज्वाइंट अकाउंट। यदि किसी व्यक्ति का मरने वाले के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट है तो खाते में मौजूद पैसे को दूसरा व्यक्ति निकाल सकता है, क्योंकि पूरा पैसा ज्वाइंट होल्डर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसी हालत में मर चुके व्यक्ति का नाम अकाउंट से हटाने के लिए उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी बैंक ब्रांच में जमा करनी होगी। इसके बाद बैंक मर चुके व्यक्ति का नाम ज्वाइंट अकाउंट से हटा देगा। दूसरा तरीका, नॉमिनी होने पर। यदि कोई नॉमिनी होता है तो बैंक खाते में उपलब्ध पैसा नॉमिनी व्यक्ति को देता है। पैसा सौंपने से पहले बैंक नामांकन और साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी को जांच करता है। पैसे नॉमिनी को देने से पहले बैंक दो गवाहों की गवाही मांगता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि पैसा असली नॉमिनी को दिया गया है। लेकिन अगर कोई नॉमिनी ना हो तो क्या होगा? अगर खाते का कोई नॉमिनी नहीं है तो पैसा पाने के इच्छुक व्यक्ति को एक लंबी कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर किसी खाते का कोई नॉमिनी नहीं है तो उस व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि वही खाता धारक का असली उत्तराधिकारी है। उसे या तो उस अकाउंट होल्डर की विल यानी वसीयत दिखानी होगी या फिर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र देना होगा, जिससे ये साबित हो कि मरने वाले का पैसा उसे मिलना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र होता क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मरने वाले व्यक्ति के वारिस को दिया जाता है। यदि मरने वाला व्यक्ति कोई वसीयत ना छोड़कर गया हो तो ऐसे केस में उसके वारिस को प्रशासन की ओर से उत्तराधिकारी दस्तावेज दिया जाता है। इससे ये साबित होता है कि यही व्यक्ति उस अकाउंट होल्डर का असली वारिस होता है। इस उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को बैंक में दिखाने पर बैंक खाते में जमा पैसे को दे देता है। लेकिन अगर कोई खाते में पड़े पैसे को लेने ही ना आए, मतलब अगर कोई क्लेम ना हो, तो क्या वो पैसा बैंक का हो जाता है? अगर बैंक खाते और पैसे पर कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं करता है तो ऐसे में बैंक खाते को बंद करके उसे निष्क्रिय खाते में बदल सकता है। अगर किसी खाते में 10 साल तक कोई लेन देन ना हो तो ऐसे में बैंक खातों को निष्क्रिय कर देता है। अगर कोई उस पैसे पर दावा करे तो जरूरी कागज दिखाकर पैसा लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी उस पैसे पर दावा नहीं करता तो बैंक उस पैसे को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डाल देता है, यानी वो पैसा RBI गाइडलाइंस के हिसाब से भलाई के काम में इस्तेमाल किया जाता है। पैसा कमाने के लिए हम सब बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपने खाता इंश्योरेंस वगैरह में नॉमिनी का नाम जरूर लिखवाएं और अपने नॉमिनी को इस बारे में भी जरूर बताएं, ताकि बुरे वक्त में आपकी मेहनत का पैसा उनके काम आ सके। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपके लिए काम की बात रही होगी। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है मोहित कुमार और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित और अजरा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।